बड़ी खबर का रुख करते हैं। ओम बिरला की आवाज पहुंचे अमित शाह और जेपी नड्डा। ओम बिरला के आवास पर तीनों नेताओं के बीच में बैठक चल रही है। बैठक में नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर चर्चा हो सकती है। अभी इस खबर के कई मायने हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि ओम बिरला जो मोदी 2.0 के अंदर लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी को संभाल रहे थे और उनके लोकसभा स्पीकर रहते हुए कई नवाचार किए, विधानसभाओं को जिस तरीके से संविधान का पाठ पढ़ाया गया, सभी को एकजुट किया गया, विपक्ष की भूमिका को सुनिश्चित किया गया, नई संसद का निर्माण किया गया और इसके साथ साथ महिला आरक्षण बिल को पास कराया गया, तीन तलाक को पास कराया गया, धारा 370 को हटाया गया, सब कुछ ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष रहने के दौरान ही हुआ और लोकसभा स्पीकर के तौर पर उनका कार्यकाल लोकसभा स्पीकर की लिस्ट में स्वर्णिम कार्यकाल में से कहा जा सकता है, जिसमें विपक्ष भी उनके मुरीद हुआ करते थे और कहते थे कि उनकी आवाज को अगर कोई ढंग से सुनता है तो वो लोकसभा स्पीकर है। बहरहाल लोकसभा स्पीकर मोदी 2.0 में जिन्होंने जिम्मेदारी संभाली, ओम बिरला कोटा से जीत कर एक बार फिर से संसद पहुंचे, उनके आवास पहुंचे हैं जेपी नड्डा और अमित शाह। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गए। अदिति, ओम बिरला के आवास पर पहुंचना ये अपने आप में कई तरीके के डायमेंशंस को ओपन करता है, आपकी नजर में क्या है? देखिए, जाहिर तौर पर दिल्ली के गलियारों में एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है जो तुरंत होने वाली है, वो है स्पीकर का चयन को, स्पीकर के चुनाव को लेकर। और ओम बिरला ने बतौर स्पीकर बेहद महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है, सरकार में हो या विपक्ष के सभी सांसदों को जिस तरीके से साथ लेकर चलने के लिए हमेशा उनको जाना जाता है। अब इस समय जेपी नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसके अलावा अमित शाह जो कि पार्टी के रणनीतिकार हैं और देश के गृहमंत्री हैं, वो पहुंचे थे। करीबन 20 से 25 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका है जब ओम बिरला यानी स्पीकर की आवाज पर है। अब सवाल ये उठता है कि कल राजनाथ सिंह के आवास पर स्पीकर को लेकर और संसद सत्र को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें एनडीए के भी सांसद मौजूद थे और उस बैठक में माना जा रहा है कि स्पीकर को लेकर चर्चा की गई। और इस बार अगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो शायद पहले चर्चा का विषय उतना नहीं होता था, वो ये है कि स्पीकर का चयन, क्योंकि एनडीए की सरकार है और ऐसे में जेडीयू हुआ, चिराग पासवान हुए या चंद्रबाबू नायडू हुए, वो स्पीकर के लिहाज से क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्योंकि सहमति के साथ ही चयन किया जाएगा। हालांकि अभी तक नरेंद्र मोदी ने जो भी फैसले लिए उसमें केवल और केवल नरेंद्र मोदी की छाप थी। और इन तमाम प्रयासों के बीच में जब देर रात जब बड़े फैसले लिए जाते हैं, खासतौर पर मोदी अमित शाह के लिए कहा जाता है कि देर रात बड़े फैसले होते हैं, उस समय पहुंचना ओम बिरला के आवास पर बहुत सारे संकेत देते हैं। लेकिन अभी हम यही कहना प्रेफर करेंगे कि संकेत है और उससे कुछ भी हो सकता है, रिपीट को लेकर संकेत है या किसी और तरीके के हैंड ओवर, तमाम तरीके की चीजें हैं जिसको प्लान ए प्लान बी या वन साइड ऑफ द कॉइन अदर साइड ऑफ द कॉइन के लिहाज से देखा जा सकता है। लेकिन ये जो बैठक है ये जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण अभी के लिहाज से है। आज पूरे दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर ही जिक्र रहा, लेकिन राजस्थान को लिहाज से जिक्र करें तो मुख्यमंत्री के लेकर जिक्र रहा उनके दिल्ली दौरे। लेकिन अभी की अगर सबसे बड़ी कोई खबर है तो वो यही है कि अमित शाह और जेपी नड्डा मिलकर पहुंचे हैं। तो जाहिर तौर पर बिल्कुल अदिति, लेकिन इसमें एक चीज तो स्पष्ट हो गई, स्पष्ट ये है कि ओम बिरला का कद बड़ा है और अगर लोकसभा अध्यक्ष को लेकर कोई भी फैसला होता है उनके पक्ष में या उनकी सहमति से किसी और नाम पर, उसमें उनकी रजामंदी को प्रेफरेंस बीजेपी के अंदर दी जा रही है। देखिए दो चीजें, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन समझना ये होगा कि एक ट्रेंड तो यही है कि स्पीकर को बदला जाता है। ये पहली बार ये भी चौंकाने वाला फैसला है कि ज्यादातर चीजें तो सेम होंगी, मंत्रिमंडल सबको सेम बता और इसी वजह से इस बात का कैच है। दूसरा, इतना बड़ा विपक्ष है तो उस विपक्ष का हैंडल करने का पास है, फिर डिप्टी सीएम को लेकर या एक तो है ये इस तरह की चर्चा। और दूसरा ये है कि जाहिर तौर पर मुझे याद है वेंकैया नायडू जब उनको वाइस प्रेसिडेंटशिप उनकी खत्म हुई तो तभी अमित शाह उनसे मिलने गए थे, देर रात ही गए थे, तब उनको कहा गया था कि आपके कार्यकाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ये कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा रहा और ऐसे में अब हम आगे ये सोच रहे हैं, आपकी सहमति चाहिए। तो जाहिर तौर पर किसी भी बात के दो साइड होते हैं कॉर्नर, अभी देखना होगा कि क्या चर्चा हुई। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देश के गृह मंत्री और पार्टी के चीफ इस समय
ओम बिरला स्पीकर की आवाज पर जाना अपने आप में ओम बिरला की भाग, ओम बिरला की इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। बिल्कुल अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।